बहुत पुरानी बात है। एक गांव के पास बहुत बड़ी नदी थी। गांव में चूहों का कुनवा रहता था। उस कुनवे में चूहों के राजा का नाम मूषकराज। मूषकराज सभी चूहों का बहुत ख्याल रखता था। चूहे इस गांव में बड़े मजे से रह रहे थे और गांव के घरों में जो भी मिलता उसे खाकर अपना जीवन गुजार रहे थे। एक बार सभी तरफ बहुत अकाल पड़ा, पर आसपास के क्षेत्र में पानी के सभी स्रोत सूख गए। वहीं पास के जंगल में हाथियों का एक झुंड रहता था। हाथियों के राजा का नाम गजराज था, जो एक विशाल हाथी था। गजराज बहुत दयालु और हिम्मत वाला था। सूखे के कारण जंगल में भी जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। पानी की समस्या का हल निकालने के लिए गजराज ने सभी हाथियों की सभा बुलाई और समस्या का हल पूछा। सभा में एक बूढ़ा हाथी भी था। उसने ने बतलाया, पास ही एक गांव है जिसके पास से एक बहुत बड़ी नदी बहती है और उसका पानी कभी नहीं सूखता। अगर कभी नदी का पानी कम हो भी जाता है तो भी उसके बड़े बड़े गड्ढों में साल भर पानी रहता है। उस नदी से हम और हमारा झुंड अपनी प्यास बुझा सकता है। गजराज को उस वृद्ध हाथी का सुझाव अच्छा लगा। गजराज ने सभी हाथियों को गांव के पास वाली नदी चलने का आदेश दिया। सभी हाथी उस दिशा में चल दिए और लंबा सफर तय करने के बाद सभी गांव के पास पहुंचे। हाथियों के रास्ते में आ जाने के कारण कई चूहों की मौत हो गई। इस घटना से चूहे बहुत डर गए। हाथियों का झुंड नदी किनारे पहुंचा और जी भर कर पानी पिया और स्नान किया। नदी के आसपास सिर्फ रेत और पानी था। दोपहर में धूप बहुत तेज रहती थी। हाथी धूप से बचने के लिए गांव में चले जाते और दोपहर की गर्मी में वहीं रुकते थे। हाथियों के आने से प्रतिदिन हाथियों के पैरों के नीचे कुचलने से चूहे मर रहे थे। मूषकराज इस घटना से बहुत परेशान था और किसी भी तरह हाथियों को गांव में आने से रोकना चाहता था। किसी ने मूषकराज को बतलाया, आप हाथियों के राजा गजराज से मिलिए, वह बहुत दयालु है, वह आपकी बात अवश्य सुनेगा। मूषकराज ने गजराज से मिलने का निश्चय किया, परंतु वह छोटा सा था और गजराज विशाल काय। मूषकराज एक पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठ गया और गजराज के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही गजराज उस पेड़ के पास से गुजरा, मूषकराज ने आवाज लगाई, गजराज हमारी समस्या का निराकरण करिए। गजराज ने आसपास देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उनकी नजर पेड़ की शाखा पर बैठे छोटे से मूषकराज पर पड़ी। मूषकराज ने कहा, गजराज मैं यहाँ के चूहों का राजा मूषकराज हूँ। आपके और आपके साथियों के पैरों के नीचे आ जाने से हमारे कई साथी अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर आप लोग यहाँ रहे तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, कृपया हमारी सहायता करें। मूषकराज की बात सुनकर गजराज ने कहा, मूषकराज मेरे और मेरे साथियों से यह सब अनजाने में हुआ। हमारा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मुझे इस बात का बुद्धदायक है, आप हमें क्षमा करें, हम किसी और स्थान पर चले जाएंगे। गजराज की बात सुनकर मूषकराज बहुत खुश हुआ और बोला, जब भी आपको हमारी किसी भी सहायता की आवश्यकता हो तो हमें अवश्य याद करिए। हाथी और उनका झुंड नदी के पास ही दूसरे स्थान पर रहने लगा। सूखा खत्म होने पर गजराज और उनका झुंड वापस जंगल चला गया। एक बार जंगल में कुछ शिकारी आए और उन्होंने जंगल में जाल फैला दिया। एक दिन गजराज उस जाल में फंस गया और बहुत प्रयत्न करने पर भी जाल नहीं तोड़ सका। गजराज की यह हालत दूसरे जानवरों से नहीं देखी जा रही थी। तभी गजराज को अपने मित्र
मूषक राज की याद आई और उन्होंने अपने एक मित्र को गांव भेजा और मूषक राज को लाने के लिए कहा। गजराज का मित्र तेजी से गांव की तरफ गया और मूषक राज से सारी बात बतलाई। मूषक राज बहुत छोटा था, अगर जंगल जाता तो कई दिन लग जाते। मूषक राज गजराज के मित्र की पीठ पर बैठ गया और दोनों तेजी से जंगल की तरफ चल दिए। जंगल पहुंचकर मूषक राज ने अपने मित्र गजराज के जाल को काट दिया और मूषक राज की सहायता से गजराज जाल से मुक्त हो गए। गजराज ने जाल से मुक्त होते ही अपने मित्र मूषक राज को धन्यवाद दिया।